Assalamualaikum dear students, my name is Raja Murid Hussain and today we will talk about what are the documents required for applying a scholarship. आज के लेक्चर में हम ये बात करेंगे कि स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए आपके पास कौन कौन से बेसिक डॉक्यूमेंट्स मौजूद होने चाहिए. इसके अलावा हम ये बात करेंगे कि इन डॉक्यूमेंट्स को आप कैसे मेंटेन कर सकते हो, कैसे आप इनको प्रिपेयर कर सकते हो. सबसे पहले जो आपके पास डॉक्यूमेंट मौजूद होना चाहिए आर एजुकेशनल सर्टिफिकेट. आपके तमाम सर्टिफिकेट्स, अगर आप एमएससी हो फ्रॉम मैट्रिक टू एमएससी, अगर आप बीएस हो फ्रॉम मैट्रिक टू बीएस, अगर आप एमफिल हैं, पीएचडी हैं, तो मैट्रिक से लेके आपकी जो हाईएस्ट डिग्री है उस तक आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मौजूद होने चाहिए. अब डॉक्यूमेंट्स दो तरह के होते हैं, एक रिजल्ट कार्ड होता है, रिजल्ट कार्ड के बाद आपको सनद जारी होते हैं, जैसे मैट्रिक की सनद, एसएससी की सनद, बीएससी की सनद. बीएस और एमएससी की सनद तब जारी होती है जब यूनिवर्सिटी का कन्वोकेशन होता है, इसलिए बीएस और एमएससी की जो ट्रांसक्रिप्ट आपके पास होती है वो भी वैलिड होती है. तो एजुकेशन सर्टिफिकेट के अंदर जो चीज आपके पास मौजूद होनी चाहिए वो ये है, मैट्रिक की सनद, एसएससी की सनद, अगर आप बीएस हैं तो बीएस का ट्रांसक्रिप्ट, अगर आप एमएससी हैं तो बीएससी की सनद और एमएससी का ट्रांसक्रिप्ट. सिमिलरली अगर आप एमफिल हैं तो एमफिल का ट्रांसक्रिप्ट, अगर आप पीएचडी हैं यानी आप पोस्ट डॉक्टरेट के लिए स्कॉलरशिप की अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपके पास पीएचडी के डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट मौजूद होना चाहिए. दूसरी बात यह है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड होने चाहिए. अब अटेस्टेड एक कॉमन वर्ड है जो हमारी सोसाइटी के अंदर इस्तेमाल होता है कि किसी भी गजेटेड ऑफिसर की जो स्टैंप है वो लगी होनी चाहिए, तो यहाँ पे ये चीज नहीं है. अटेस्टेड का मतलब है कि मैट्रिक और एफएससी या मैट्रिक और एफए जो भी आपके इंटरमीडिएट कैटेगरी है उसके डॉक्यूमेंट्स एक अथॉरिटी अटेस्टेड करती है जिसको आईबीसीसी कहते हैं, इंटर बोर्ड चेयरमैन कमेटी. जबकि वो डिग्रीज जो आपने यूनिवर्सिटी के अंदर ऑब्टेन की होती हैं उनको वेरीफाई करने के लिए आपको एचईसी से वेरिफिकेशन अटेस्टेशन करवाना पड़ती है. तो मैट्रिक और एफएससी के डॉक्यूमेंट्स आईबीसीसी से और उसके बाद फॉरेन ऑफिस से. सिमिलरली यूनिवर्सिटी की डिग्री, अगर आपकी बीएससी है, एमएससी है, बीएस है या एमफिल है, तो उसको आप सबसे पहले एचईसी से रिकॉग्नाइज करवाएंगे, एचईसी से टेस्ट करवाएंगे, उसके बाद आप फॉरेन ऑफिस से उसको अटेस्टेड करवाएंगे. तो ये तो है डॉक्यूमेंट का प्रोसीजर, इसको कैसे करवाना है ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि मैट्रिक और एफएससी को करवाने का मुकम्मल प्रोसीजर और एचईसी से डॉक्यूमेंट को अटेस्टेड करवाने का मुकम्मल प्रोसीजर और फिर फॉरेन ऑफिस से आपने कैसे करवाना है ये मैं आपको फर्दर गाइड करूंगा. दूसरा डॉक्यूमेंट जो आपके पास मौजूद होना चाहिए दैट इज रिकमेंडेशन लेटर. ये दो से तीन रिक्वायर्ड होते हैं, मोस्टली स्कॉलरशिप बॉडीज दो रिकमेंडेशन लेटर जो है वो रिक्वायर्ड करती हैं. कुछ स्कॉलरशिप बॉडीज ऐसी भी हैं जो कि तीन रिकमेंडेशन लेटर्स रिक्वायर्ड करती हैं, फॉर एग्जांपल डार्ट स्कॉलरशिप्स. रिकमेंडेशन लेटर क्या है और ये कहां से आपको हासिल होगा? रिकमेंडेशन लेटर का मतलब है कि कोई भी आपको रिकमेंड करेगा जिस डिग्री के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं, आपके जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं जिनसे आपने पढ़ा है वो आपको रिकमेंडेशन लेटर बना के देते हैं. रिकमेंडेशन लेटर का फॉर्मेट क्या होता है, रिकमेंडेशन लेटर कैसा होना चाहिए, रिकमेंडेशन लेटर के अंदर कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपने लाजमी तौर पर मेंशन करवाने हैं, ये मैं आपको एक सेपरेट वीडियो के अंदर गाइड करूंगा. फिलहाल रिकमेंडेशन लेटर जिस करंट यूनिवर्सिटी के अंदर आप पढ़ रहे हैं उसके दो से तीन प्रोफेसर सेपरेटली आपको रिकमेंडेशन लेटर जारी करेंगे. रिकमेंडेशन लेटर का मतलब ये होता है कि वो आपको एमफिल के लिए, एमएस के लिए या पीएचडी के लिए रिकमेंड कर रहे हैं कि आप इस डिग्री को करने के अहल हैं और आपके अंदर ये एबिलिटी मौजूद है. रिकमेंडेशन लेटर की वैलिडिटी एक साल होती है, एक साल के बाद रिकमेंडेशन लेटर एक्सपायर हो जाता है. कुछ स्कॉलरशिप ऐसी हैं कि जब आप अप्लाई करते हो तो आपको रिकमेंडेशन लेटर जो स्कैन फॉर्म में आपके पास होता है अपलोड करना होता है, और कुछ स्कॉलरशिप ऐसी हैं जब आपकी स्कॉलरशिप कंफर्म होती है, आपने तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने होते हैं, तो उस वक्त आपने रिकमेंडेशन लेटर को भी शो करना होता है. तीसरा डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेंस लेटर 2-3. एक्सेप्टेंस लेटर
आपकी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आपको इश्यू नहीं करते, बल्कि एक्सेप्टेंस लेटर जिस कंट्री के अंदर आप अप्लाई करने जा रहे होते हो, जिस यूनिवर्सिटी के अंदर आप अप्लाई करने जा रहे होते हो, अगर उस यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर आपको एक्सेप्टेंस लेटर जारी कर दे तो फिर आपकी स्कॉलरशिप जो है वो कंफर्म हो जाती है। एक्सेप्टेंस लेटर का मतलब ये होता है कि वो आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो आपके लिए फंड्स अरेंज कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप स्कॉलरशिप हासिल करो और यहाँ पे आके स्टडी करो। एक्सेप्टेंस लेटर का फॉर्मेट क्या होगा, प्रोसीजर क्या होगा, ये मैं आपको नेक्स्ट डिटेल से गाइड करूंगा। क्यों कि सबसे मुश्किल जो काम है, सबसे कहने की टफ टास्क जो स्कॉलरशिप के अंदर है वो एक्सेप्टेंस लेटर है। लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है, तमाम स्कॉलरशिप एक्सेप्टेंस लेटर रिक्वायर्ड नहीं करती। अगर 100 टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप बॉडीज हैं तो सिर्फ 5% स्कॉलरशिप बॉडीज ऐसी हैं जो कि ये रिक्वायर्ड करती हैं कि आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर होना चाहिए, बाकी 95% स्कॉलरशिप बॉडीज एक्सेप्टेंस लेटर रिक्वायर नहीं करती, इसलिए आपको इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। चौथा डॉक्यूमेंट, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट का मतलब ये है कि आपके पास कोई आईएलटीएस या टॉफल नहीं होना चाहिए, बल्कि जिस यूनिवर्सिटी से आप अपनी डिग्री कंप्लीट करते हो उस यूनिवर्सिटी का एचओडी आपको एक सर्टिफिकेट बना के देता है कि आपने जो तमाम एजुकेशन इस यूनिवर्सिटी के अंदर हासिल की है वो इंग्लिश में है, आप इंग्लिश को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, आप इंग्लिश को रीड कर सकते हैं, आप इंग्लिश में राइट कर सकते हैं। इसे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट का नाम दिया जाता है। इसकी कोई फी नहीं है, इसकी कोई ड्यूरेशन नहीं है, ये लाइफ टाइम होता है। एक दफा अगर आपको यूनिवर्सिटी इशू कर दे तो लाइफ टाइम ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपका वैलिड होता है। सिंपली आपने एचओडी साहब को रिक्वेस्ट करनी है कि हमें इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट ऑफर किया जाए। नेट के ऊपर फॉर्मेट पड़ा है, मैं भी आपको फॉर्मेट जो है वो कमेंट बॉक्स के अंदर या डिस्क्रिप्शन के अंदर फॉर्मेट का लिंक सेंड कर दूंगा। उस फॉर्मेट के अंदर आपने अपना नेम, रोल नंबर, बैच, क्लास वो मेंशन करवाना होता है और सिंपल स्टेटमेंट्स की ये होती है कि द स्टूडेंट एबीसी हैज एक्वायर्ड ऑल एजुकेशन इन दिस इंस्टीट्यूट इन इंग्लिश, ही कैन लर्न इंग्लिश, ही कैन स्पीक इंग्लिश, ही कैन राइट इंग्लिश, ही कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश, राइट। तो इस तरह का एक सिंपल फॉर्मेट होता है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट का। और याद रखिएगा कि अगर 100 स्कॉलरशिप बॉडीज है तो 100 की 100 स्कॉलरशिप बॉडीज इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड करती हैं, सिवाय उन स्कॉलरशिप के जो आईएलटीएस और टॉफल जिनके हम आगे बात करने जा रहे हैं उनके लिए आईएलटीएस और टॉफल रिक्वायर्ड होता है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो है वो इनफ नहीं कंसिडर होता। तो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो आपको रिक्वायर्ड होता है आईएलटीएस सर्टिफिकेट या टॉफल सर्टिफिकेट। अगर आपने आईएलटीएस किया हो, जो इंग्लिश कंट्रीज हैं वो आईएलटीएस रिक्वायर्ड करती हैं, जो फ्रेंच कंट्रीज हैं, जर्मन कंट्रीज हैं, इस तरह की कुछ डच कंट्रीज हैं वो टॉफल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड करती हैं। तो इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, 100 में से 7-10 स्कॉलरशिप बॉडीज ऐसी हैं जो कि टॉफल या आईएलटीएस रिक्वायर्ड करती है, बाकी कोई स्कॉलरशिप बॉडी जो है वो टॉफल या आईएलटीएस रिक्वायर्ड नहीं करती। इसलिए इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप 90% स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद पर्सनल एसे या पर्सनल स्टेटमेंट, ये वो स्टेटमेंट होती है, ये वो आप कहने की डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आप अपने बारे में लिखते हो कि आई एम व्हाट इज, आई बिलोंग टू विच एरिया, मैं ये स्टडी करना चाहता हूँ, ये मेरे फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है। इसके अंदर सारी आपने अपनी डिटेल बतानी होती है, आपका विजन क्या है, आपका थीम क्या है। और याद रखिएगा स्कॉलरशिप में कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता, कुछ स्कॉलरशिप्स हैं जो टेस्ट लेते हैं लेकिन मोस्टली स्कॉलरशिप आपका पर्सनल एसे जो होता है उसकी रिफ्लेक्शन के बिहाफ के ऊपर आपको स्कॉलरशिप अवार्ड करती है। इसके बाद सीवी, सीवी के अंदर एक शॉर्ट डिटेल मेंशन होती है जिसमें आप अपना नेम, फादर नेम, सीवी से आप अच्छी तरह से वाकिफ हो, लेकिन स्कॉलरशिप के लिए जो सीवी होती है वो लिटिल बिट डिफरेंट होती है। ये डिटेल्ड सीवी होती है जिसमें आप मुकम्मल तौर पर अपनी स्किल्स को मेंशन करते हो। हाउ टू राइट अ सीवी फॉर अ स्कॉलरशिप, इसके ऊपर भी हमारी एक वीडियो है, वो जल्द ही इंशाल्लाह यूट्यूब के ऊपर अपलोड हो जाएगी। सीवी के बाद है स्टडी प्लान।
स्टडी प्लान के अंदर आप बताओगे कि मैं इस मेजर, मेरे मेजर्स ये हैं, मेरे माइनर्स ये हैं, क्योंकि जब भी आप यूनिवर्सिटी के अंदर स्टडी करते हो तो लास्ट 2 to 3 सेमेस्टर बीएस के अंदर और एमएससी के अंदर लास्ट 2 सेमेस्टर जो होते हैं वो आपके सब्जेक्ट्स डिवाइड हो जाते हैं मेजर और माइनर के अंदर। तो स्टडी प्लान में आपने ये डिसाइड करना है कि आप जो हायर स्टडी, हायर एजुकेशन हासिल करना चाह रहे हो वो किस फील्ड, स्पेसिफिक फील्ड के अंदर हासिल करना चाह रहे हो और आपका प्लान क्या है उसके बारे में, ये स्टडी प्लान में आपने बताना होता है। उसके बाद यूजुअल डॉक्यूमेंट्स के, आपके पास एक्टिव पासपोर्ट होना चाहिए, याद रखिएगा पासपोर्ट की वैलिडिटी 5 year to 10 years होती है, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है 15 years के। अगर आपके पास करंटली पासपोर्ट नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, एट द टाइम ऑफ अप्लाई आपके पास अगर CNIC है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अप्लाई के बाद फौरन ही आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं। पासपोर्ट के बाद प्रपोजल, प्रपोजल स्टडी प्रपोजल भी हो सकता है, रिसर्च प्रपोजल भी हो सकता है, कि अगर आपके पास एक ऐसा आइडिया है जो आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने जा रहे हैं उनको आप देना चाहते हैं तो ये प्रपोजल के अंदर आप ये सारा मेंशन करेंगे, या आप किसी टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं तो अपना रिसर्च प्रपोजल भी आप तैयार कर सकते हैं, तो वो भी एक आपको हेल्पिंग मटेरियल के तौर पर काम आएगा। लास्ट पे रैंडम डॉक्यूमेंट्स, रैंडम डॉक्यूमेंट्स मैंने इसलिए लिखा है, साथ में मैंने मेंशन किया मेरिट, कि हर स्कॉलरशिप का एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो दूसरों से मुख्तलिफ होता है। लेट्स सपोज चाइनीज स्कॉलरशिप, उनके 1 से 2 डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि जर्मन स्कॉलरशिप को रिक्वायर्ड नहीं होते, इसी तरह जर्मन स्कॉलरशिप के कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो फ्रेंच स्कॉलरशिप को रिक्वायर्ड नहीं होते, सिमिलरली फ्रेंच, इटालियन, अमेरिकन एंड यूरोपियन स्कॉलरशिप। तो हर स्कॉलरशिप के 1 से 2 डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिकली उस स्कॉलरशिप के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, किसी और स्कॉलरशिप के लिए वो रिक्वायर्ड नहीं होते। तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने डॉक्यूमेंट्स को डिस्कस किया कि स्कॉलरशिप के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक एक डॉक्यूमेंट्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स को कैसे आप मैनेज कर सकते हैं, रिकमेंडेशन लेटर की स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए, कैसे डिजाइन करना है, एक्सेप्टेंस लेटर, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, CV कैसे बनानी है, स्टडी प्लान कैसा होना चाहिए, प्रपोजल आपने कैसे पेश करना है और किस स्कॉलरशिप के लिए कौन से रैंडम डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। तो इसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियोस जो है वो आपको मिल सके, और साथ साथ आप ऑप्टिमिस्टिक हो, अपने एक माइंड बनाएं कि आप स्कॉलरशिप हासिल करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।